सुनो, तुम चाय बहुत अच्छा बनाती हो, पर मुंह बनाने में भी तुम्हारा कोई जवाब नहीं। मैंने देखा ही नहीं कोई मौसम, मैंने चाहा है तुम्हें चाय की तरह। हेलो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग चलने वाले हैं सोनाहटी में मौजूद चाय अड्डा, जिसकी चाय काफ़ी ही अच्छी होती है। अगर आप वहां का चाय पी चुके हैं तो जानते होंगे, अगर नहीं पिया है तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए। तो चलिए चलते हैं, रास्ता बहुत ही ख़राब है इसलिए हम लोग रास्ते को कवर नहीं करेंगे, सीधे चाय अड्डे पर पहुँच कर वीडियो स्टार्ट। सुनो, तुम चाय बहुत अच्छा बनाती हो, पर मुंह बनाने में भी तुम्हारा कोई जवाब नहीं। मैंने देखा ही नहीं कोई मौसम, मैंने चाहा है तुम्हें चाय की तरह। दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, लेकिन हमारे दिलशाद भाई का कहना है कि वो मोहब्बत ही क्या जिसमें तकलीफ़ ना हो। दोस्तों, भारत में लगभग हर इंसान के सुबह की शुरुआत चाय से होती है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इस वक्त मौजूद हैं सोनाहटी में चाय अड्डा पे। दोस्तों, यहाँ की चाय काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आप लोग अगर आसपास के नज़दीक से हैं तो यहाँ पर आकर चाय ट्राई कर सकते हैं। अभी हम इन लोगों से बात भी करेंगे कि इनके चाय की आखिर खासियत क्या है, ये अपने चाय में ऐसा क्या डालते हैं जिससे चाय जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। दोस्तों, अब हम इनसे बात करेंगे कि इनके चाय की खासियत क्या है। भाई, आपका नाम क्या है? अकरम। अकरम भाई, आपके चाय में ऐसी क्या खासियत है कि लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं चाय पीने के लिए? चाय अच्छी रहे तब पिए ना। आप चाय में कुछ स्पेशल डालते हैं? जी। क्या? अदरक रहता है, इलायची रहता है, फिर चीनी चायपत्ती रहता है। दोस्तों, यहाँ की चाय जो है काफ़ी अच्छी होती है। अगर आप लोग यहाँ आसपास रहने वाले हैं तो यहाँ पर चाय पीने आ सकते हैं। अभी तो शाम का वक्त नहीं हुआ है, लेकिन जब शाम का वक्त हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है और यहाँ पर जो है बैठने के लिए जगह भी नहीं रहती है। प्रिंस यार, तुमसे कुछ कहना था। क्या? कल रात मैंने एक हंसे ख्वाब देखा है, मैंने चाय के टपरी पर तुम्हें साथ देखा है। दोस्तों, कुल्लड़ में चाय पीने का अलग ही मजा है। दिलशाद भाई, कुल्लड़ में चाय पीने की खासियत क्या है पता है? मतलब इसकी खासियत यह है कि मतलब अगर हम इस पे शायरी कहें तो कुछ इस तरह से कहेंगे, जलाकर अपना कलेजा चाय को बाहों में भरती है, कुल्लड़ जैसा इश्क भला कौन करती है। जैसा कि दोस्तों, अब हम लोग अपने घर पे पहुंच गए हैं। दिलशाद भाई, चाय आप लोग को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा भाई। वो जो भाई थे चाय बनाने वाले, बाकी चाय तो बहुत टेस्टी बनाए। हाँ तो भाई, उनका काम है चाय बनाना, तो चाय तो काफ़ी अच्छा बनाएंगे, लेकिन कैमरे के सामने अच्छे अच्छे को हिजिटेशन होता है, तो भाई साहब को भी हिजिटेशन हो रहा था। लेकिन चाय के बारे में आप बताइए, चाय मज़ा आया कि नहीं? बहुत मज़ा है भाई, मज़ा आया ना। अगर कोई वहाँ पे जाए तो उसका दिल खुश होगा कि नहीं होगा? बहुत अच्छा, मज़ा आ जाएगा ना। मज़ा आएगा। चलो प्रिंस भाई, तुम बताओ तुमको कैसा लगा वहाँ का चाय? मज़ा आ गया ना। कुछ कहना चाहोगे वहाँ के चाय के बारे में? अच्छा। चलिए बस दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में इतना ही है। मेरे भांजी हैं दोनों लोग और ये मेरा भांजा। मिलेंगे फिर नए ब्लॉग में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और चाय अड्डा का चाय पीते रहिए।